लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग की चमोली सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र नगरासू में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के द्वारा प्रेमलाल के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें 70 पेटी अवैध शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया गया। साथ ही मकान मालिक प्रेमलाल को भी आबकारी विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि इतनी अधिक मात्रा में अवैध शराब के जरिए लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की रणनीति बनाई जा रही थी। हालांकि शराब माफियाओं के मंसूबों पर आबकारी विभाग ने पानी फेर दिया, लेकिन जो शराब बरामद हुई है उसे बेचने का लाइसेंस भी जनपद में नहीं है। ऐसे में बड़ा और अहम सवाल ये भी उठता है कि जिस शराब की बिक्री जिले में हो ही नहीं सकती है, वो जिले की अंतिम सीमा तक कैसे पहुँच गयी। कहीं न कहीं इसके पीछे शराब माफियाओं का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।